हमारा संदेश तो बहुत ही स्पष्ट है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के मतदाता वो विकास के लिए, सुशिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए वोट करेंगे। और उन लोगों ने देखा है पिछले 5 वर्षों में, उन्होंने देखा है कि सांसद का काम विकास करना भी होता है। पिछले दशकों तक 40-50 वर्षों में आप लोगों ने देखा है, 5 वर्षों में जितने काम मैंने किए, 50 काम किए होंगे, वो 50 काम के 50 साल के 5 काम नहीं गिना सकते। तो लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता, लोगों को बहकाया नहीं जा सकता। लोग ये पूछते, सवाल पूछते हैं कि भाई ये जयंत चौधरी जो मथुरा में चुनाव लड़ा था, वो मथुरा छोड़ करके क्यों भागा, ये रणछोड़ क्यों बन गया। ये सवाल है उनका कि रणछोड़ क्यों बना। 2009 में 3.5 लाख वोटों से जीता, 2014 में 4.5 से हार गया, ये 8 लाख मत उसके खिलाफ क्यों होंगे? क्योंकि वो चुनाव जीतने के बाद कभी मथुरा गया नहीं। मथुरा के लोगों ने अल्टीमेटली मिल दिया है, हमारे मथुरा में घुस नहीं सकता जयंत चौधरी। यहाँ बाका है क्या? यहाँ के लोगों को मालूम नहीं, मथुरा को ज़्यादा दूर नहीं है। मथुरा के लोग, यहाँ के लोगों ने महसूस किया है यहाँ पर वोट मिलने वाले नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 8 सीटों का मतदान है, क्या मानते हैं, क्या रिजल्ट है? हम सभी सीट जीतेंगे। मतदान हुए 2 घंटे ज़्यादा हो गए, लेकिन 30 से ज्यादा मशीनें की जो है खराब होने की सूचनाएं आ रही है। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को बताया गया है भाई ईवीएम जहाँ खराब है उसको तुरंत उसको बदली कीजिए। मेरा विश्वास है कि उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा और डिले हो सकता है।